हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 17 नवंबर रविवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज तुला राशि में राजयोग बन रहा है, जिससे आपके कामकाज आपके मनोस्थिति के अनुकूल बनने के योग बन रहे हैं। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करेंगे जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, निष्कृति में वृद्धि हो सके? आप अपने कार्य क्षेत्र के अलावे अपने समाज में एक अलग छवि, अलग पहचान बनाने में कामयाब हो सको, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत है? आपके जीवन में चल रही समस्याओं को कैसे आप दूर कर सकते हैं? आज कौन सी आपको खुशखबरी मिलेगी? कौन सी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है? आइए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी मनोस्थिति के अनुकूल सारे काम काज बनेंगे। भगवान कुबेर की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में शांति आएगी। जीवन में आपका मान सम्मान का स्तर बढ़ेगा। आपके समाज में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन के लिहाजे से आपका अच्छा समय रहेगा। सामूहिक कामों में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। घर परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, उनको अच्छे से निभाएं, आपके लिए फलदायी रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस दिन आप सोच समझकर, आप लोग सोच नहीं सकते कि आप लोगों को कितनी बड़ी खुशखबरी भी सुनने का मौका मिलेगा। आप बहुत जल्द प्रसन्न रहेंगे। उच्च पद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। यात्राएं मंगलमय रहेगी। बाहरी लोगों पर ध्यान न देकर अपने काम काज पर ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं इन परिस्थितियों के अनुकूल आपको कुछ ऐसे परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी समस्याएं भी आपके सामने आज खड़ी हो सकती हैं, जिनसे कि आप परेशान, तनावपूर्ण तथा आपकी बहुत सारी ऐसी झंझटें आएंगी। आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आज आप किसी भी कार्य को करें, चाहे आप अपने व्यवसाय को ही करें या फिर आप कहीं दफ्तर जाते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो आप एक बार अपने जरूर से जरूर अपने पूर्वजों को याद कर लें। इसके साथ साथ आप जो हैं आज के दिन अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आज धन लाभ के साथ साथ आपके फिजूल खर्चे में भी इजाफा होगा। फिजूल खर्चों से आप दूर रहें। जितना हो सके उतने कम खर्च ही आज करें। धन को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करें, जिनसे कि आपका फ्यूचर जो है वो सेफ हो सके। आपको बताना चाहेंगे, रुके हुए कार्य सभी संपन्न होंगे और आज आप कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपकी छोटी मोटी मोल झोल हो सकती है, जिनसे कि आप जो हैं थोड़े से परेशान रह सकते हैं। किसी से भी वाद विवाद ना करें, हो सके तो अपनी गलतियों की स्वीकार करें। आज सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आपके सामान की गुम होने की भी आशंका बन रही है, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मित्रों, मां लक्ष्मी का आपके ऊपर कृपा दृष्टि बन रहा है, जिसके कारण आपके घर परिवार पर सुख शांति का वातावरण रहेगा। आप उन सभी खुशियों को प्राप्त कर पाओगे जिसकी आप कामना करते हैं। ऐसे में आप ज्यादा परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें। समय के साथ सब कुछ ठीक होता चला जाएगा।
आपके जीवन में जॉब से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही हैं। मित्रों, आज आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो।